हर महीने बिजली के बिलों में हुकूमत की जानिब से 2 से 3 बार इजाफा देखने में आया है। आवाम इस हवाले से क्या कहती है, आइए जानते हैं आवाम से। बिलों के हवाले से अगर मैं आपको सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना हुकूमत पाकिस्तान, मैं कहता हूँ आवाम पे, गरीब आवाम पे जो है ना जुल्म कर रही हैं। इन्हें ज़रा सी भी परवाह नहीं है आवाम की, हालांकि ये इसी आवाम की जो है ना वोटों से बने हुए हैं। तो असल बिजली की कीमत और उससे कई गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो क्या कहना अभी उनको, कई किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं उसमें, तो अदा करना आसान है इतना बिल? अदा करना बहुत मुश्किल है, आसान किधर है, आजकल हालात वैसे भी कारोबार नहीं है। बिल जो है ना वो 22,000 आया और हमने एसी भी कोई नहीं लगाया हुआ, जो एसी हो तो फिर भी मजा गए, एसी भी नहीं है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसका कोई फायदा ही नहीं है, गरीब बंदा कहाँ जाए। अब मैं इधर 600-700 रुपया देकर जाता हूँ, उसमें घर का खर्चा करूँ या क्या करूँ। 10,000 बिल आया है और तकरीबन 7,000 मेरा गैस का बिल आया है। हमारे लिए कोई भी ठीक नहीं है, गरीब हमेशा और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास तो वैसे ही मर गया ना सफ़ेद पोश। तो ये रोज बरोज क्यों इजाफा करते हैं बिलों में? ये तो इनको पता हो, जो ये कर्ज ले लेके हमारे ऊपर थोपते जा रहे हैं। तो कर्ज किन के लिए लिया जाता है, आवाम के लिए ले रहे हैं? आवाम के ऊपर लगाए भी तो सही, आपके मेट्रो स्टेशन की लाइटें रात के पूरे पूरे 24 घंटे चल रही होती हैं, उसका आप बिल कौन देता है आप मुझे ये बताएं? उसका बिल भी हम पे करते हैं, उसका बिल भी हम आवाम ही पे करते हैं। ये स्ट्रीट लाइटें जो चल रही हैं उनके बिल भी हम पे करते हैं। तो कश्मीरी आवाम ने तो अपने बिल कम करा लिए, तो आप लोग क्यों नहीं करवा सकते? ये कौम बुजदिल है, ये कौम बुजदिल है, वो कौम फिर भी मजबूत है, एक हो सकते हैं, ये एक नहीं हो सकती। यहाँ पे सबको पता क्या होता है यार, मैंने वहाँ पे 4 घंटे वहाँ पे जलील होना है, इससे अच्छा मैं 1 घंटा थोड़ा काम करके पैसे कमा लूँ। इनको ये है, आवाम में हिम्मत नहीं है कि बाहर आ सके, ये बुजदिल है और बुजदिल ही रहेगी। हमारा तो फिर भी, हम एक बिजनेस मैन है, शॉप है, हम कर लेते हैं। जो मुलाजम पेशा लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो कैसे पूरा करें? तो ये किस वजह से बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, हर महीने जो है 3 दिन बाद जो फी यूनिट से इजाफा हो रहा है, तो हुकूमत से कौन मुतालबा करेगा, कौन कहेगा कि बिल? ये तो हम आवाम ही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम आवाम में से कोई निकलता नहीं है बाहर, कोई एहतजाज करे तो कुछ होना, अब मैं अकेला तो नहीं निकल सकता। बिजली के बिलों में आए रोज़ इजाफे के हवाले से आवाम का ये कहना है कि हुकूमत दिन ब दिन बिजली के फी यूनिट्स में इजाफा कर रही है। अगर IMF के कर्जे आवाम नहीं पूरे करने हैं तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम के ऊपर अखराजात भी करें। कैमरामैन शहबाज अली के साथ खालदा राजा A1 TV इस्लामाबाद।